Dear students, I am Amit. I am your computer teacher. Today I am going to teach about number system. In this number systems, today we will be know about decimal number system and binary number system. Decimal number system में जो numbers का series हो 0 to 9 लेते हैं, इसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 digit होता है, इसका base जो होता है, वो 10 होता है. डेसिमल नंबर सिस्टम से हम बाइनरी नंबर सिस्टम में जा सकते हैं और बाइनरी नंबर सिस्टम से हम डेसिमल नंबर में जा सकते हैं. तो ये हम लोग आज कन्वर्ट करने भी सीखेंगे. तो सबसे पहले डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 टू 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी प्रकार से बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 और नरी मींस नंबर, यानी जिसमें दो नंबर है, इसमें दो टू नंबर्स होते हैं, ओनली टू नंबर्स 0 एंड 1. कंप्यूटर जो होता है इसी नंबर सिस्टम को समझता है, जिसे बाइनरी नंबर सिस्टम बोलते हैं, 0 एंड 1. और इसका बेस जो होता है वो 2 होता है. तो अभी हम लोग सीखेंगे, आगे कन्वर्ट करना सीखेंगे डेसिमल टू बाइनरी. एग्जांपल के लिए हम एक नंबर लेते हैं 44, जिसका बेस क्या है 10 है. अब इसको हम लोग कन्वर्ट करने सीखेंगे. 44 इस तरह से लिख लेंगे, क्योंकि बाइनरी का बेस 2 है, इसलिए हम इसको 2 से डिवाइड लगाएंगे. और जो हमारा कोशेंट है उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और रिमाइंडर को हम यहाँ पे लिखेंगे. तो 2 2 जा 4 2 2 जा 4, रिमाइंडर मेरा कुछ भी नहीं बचा, दैट मीन्स यहाँ लिखेंगे 0. फिर 2 से देंगे 2 से, 2 1 जा 2 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0. यहाँ पे 2 5 जा 10, क्वेश्चन मेरा 5 आया और रिमाइंडर मेरा 1 आया, तो हम यहाँ लिखेंगे 1. उसी प्रकार से यहाँ फिर से देंगे 2 2 2 जा 4 और रिमाइंडर मेरा 1 यहाँ पे आएगा. अब यहाँ पे फिर देंगे 2 से, 2 1 जा 2, क्वेश्चन मेरा 1 और रिमाइंडर मेरा 0. जब हम इसको लिखना होता है तो हम लिखते हैं नीचे से ऊपर काउंट करते हैं, यानी अब हम इसको लिखेंगे कि 44 डेसिमल नंबर का बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होगा. तो लिखेंगे 1 0 1 0 1, फिर 1, फिर 0, फिर 0 और बेस में लगा देंगे 2. अब इस प्रकार से डेसिमल टू बाइनरी हम चले गए. 44 जो डेसिमल नंबर सिस्टम में है उसको बाइनरी में चेंज किए तो क्या आया, 1 0 1 1 0 0 और बेस 2. हम चेक करने के लिए इसका, अब हम डेसिमल टू बाइनरी टू डेसिमल में जाएंगे, चेक करते हैं इसको और इस प्रकार से हम इस ये भी सीख जाएंगे. बाइनरी टू डेसिमल, इसके लिए हम इसी नंबर का यूज करेंगे, 1 0 1 1 0 0, बेस में लगाएंगे 2. अब इसको चेक करने के लिए थोड़ा सा इसमें समझने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पे कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट है,
हम ये जो बेस नंबर है हमारा इसका, ये जो वन है इसको यूं ही रख देंगे, वन इंटू लगाएंगे और यहाँ से काउंट करेंगे, एक दो तीन चार पाँच, ये छः हो गया। लेकिन एक क्योंकि वन हम लिख चुके हैं तो इससे इतना ही नंबर जो बचा हुआ है इस नंबर को हम पावर के रूप में यूज़ करेंगे, बेस का पावर लगाएंगे, यानी टू जो हमारा बेस है इस पर पावर लगाएंगे। जैसे वन टू थ्री फोर फाइव, तो टू पर पावर फाइव, यहाँ प्लस का साइन देंगे। फिर इसी प्रकार से यहाँ कितना है, जीरो इंटू टू पर पावर वन टू थ्री फोर, एक छोड़ करके जो नंबर लिखेंगे उसका एक छोड़ करके यानी फोर। इसी प्रकार से सबका हम करते जाएंगे, जैसे वन इंटू टू पर पावर थ्री, एक घटते जाएगा हमेशा, प्लस वन इंटू टू पर पावर टू, प्लस जीरो इंटू टू पर पावर वन, प्लस जीरो इंटू टू पर पावर जीरो, क्योंकि इसके बाद कोई हमारा बचा ही नहीं। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 2 को 5 टाइम्स करेंगे तो 32 आएगा। 2 इंटू टू इंटू फाइव बार करके देखो, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, एट टू जा सिक्सटीन, सिक्सटीन टू जा 32, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आ जाएगा। चूँकि यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 2 पर पावर 4 दिया हुआ, तो कुछ भी नंबर आए क्योंकि यहाँ 0 है, इसलिए सारा नंबर क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे 1 है, दैट मीन्स यहाँ पे कुछ वैल्यू हमको आएगा, इन 2 पर पावर 3 है तो क्या आएगा वैल्यू, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, यहाँ पे 2 टू जा 4, यहाँ पे 0, और यहाँ पे क्योंकि यहाँ 0 है, यहाँ पे 2 पर पावर 0 है तो 1 आता, लेकिन यहाँ पे 0 दिया हुआ है, दैट मीन्स ये भी वैल्यू क्या आएगा, 0। अब इस प्रकार से ऐड करेंगे तो 32 और 8 40 प्लस 4 तो 44। अब हम पुनः डेसिमल में पहुंच गए, इस प्रकार से हमारा क्या हुआ, वेरीफाइड हो गया, चेक्ड हो गया। तो हम आज हम लोग समझे डेसिमल नंबर सिस्टम एंड बाइनरी नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम 0 to 9 और इसका बेस 10 होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम 2 नंबर होते हैं 0 and 1, बेस होता है 2। डेसिमल टू बाइनरी के लिए हम एग्जाम्पल लिए 44, बेस 10, और इसको हम इस प्रकार से क्लियर करते गए। जो हमारा क्वेश्चन है वो यहाँ पे लिखते हैं, रिमाइंडर को यहाँ लिखते हैं, और जब हम रिटर्न वर्क करते हैं तो इसको नीचे से लिखते हैं। जैसे 44 10 का हम लिखे 1011000 base 2, इसी प्रकार से बाइनरी टू डेसिमल गए